फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। दोस्तों, अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वहां पर मैसेज करके जान सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कटोरी ब्लाउज की कम्प्लीट सिलाई हम किस तरीके से करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर लोगों के रिक्वेस्ट आए थे कि सर, आप प्लीज़ इसकी सिलाई एक बार बता दीजिए। काफ़ी सारे मैंने कटिंग के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आज उसकी सिलाई भी मैं अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, एक प्रॉपर तरीके से हम किस प्रकार से कटोरी ब्लाउज बना सकते हैं। तो सीखने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और साथ ही लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलीप टेलर्स एंड बुटीक को सब्सक्राइब कीजिए इस रेड बटन को दबाकर, और उसके बाद क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर ताकि हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिले। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम आज आप लोगों को कटोरी ब्लाउज की सिलाई बता रहे हैं, जो बेसिक इसका नॉलेज होता है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि कटोरी ब्लाउज जो है 5 पार्ट से मिल करके बनते हैं, जिसमें है बेल्ट, क्रॉस पट्टी, इसका कटोरी और बैक साइड का पार्ट, और उसके बाद लास्ट में आस्तीन। तो ये 5 चीज़ों से मिल करके कटोरी ब्लाउज बनता है, और इसको हमने चिपका करके रखा हुआ है। ये अस्तर वाला ब्लाउज है, तो अस्तर हमने चिपका लिया है अस्तर को यहाँ पर। तो यहाँ पर अस्तर को चिपकाने के लिए भी मैं थोड़ा सा टिप्स दे देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप देखेंगे ये है इसकी क्रॉस पट्टी, तो क्रॉस पट्टी को हमने जब इसको चिपकाया है तो ये इस तरीके से आपको चिपकाना है। इसमें अस्तर लगा हुआ है और बिल्कुल किनारे किनारे इसमें सिलाई लगा करके हम चिपका लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैं इसको चिपकाने का तरीका नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं ये है कटोरी, तो कटोरी भी हमने सेम उसी तरह से इसको चिपका करके रखा हुआ है अस्तर। देखिए यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा करके आप लोगों को चिपका लेना है। ये है इसके बैक साइड का पार्ट, तो बैक साइड के पार्ट में आप देखेंगे ये भी उसी तरीके से चिपका हुआ है। कपड़े के ऊपर अस्तर को रखना है, किनारे किनारे सिलाई लगा करके चिपका लेना है, और यहाँ पर बैक साइड में नीचे लगेगा कमर पट्टी। उसके बाद देखते हैं बेल्ट, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो बेल्ट है इसको हमने पलटा करके चिपकाया हुआ है। अगर आप लोगों ने इसको चिपकाने का तरीका नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें बेल्ट को पलटी करके चिपकाना है। और इसी तरीके से हम आस्तीन को भी इसमें चिपकाते हैं, तो आस्तीन को भी यहाँ पर पलटा करके चिपकाया गया है। तो ये हो गई बेसिक एक नॉलेज किस तरीके से हमको इसे चिपकाना है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और इसकी आज कंप्लीट सिलाई देखेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपको ब्लाउज सिलाई से संबंधित कोई भी परेशानी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कटोरी में लगा लेंगे टक्स, और वो किस तरीके से लगाना है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। नीचे 2 कट लगे हुए हैं यहाँ पर, और ऊपर लगा हुआ है 1 निशान, तो यहाँ पर हमें चलानी है सिलाई। और एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, इस सिलाई को जब आप चलाएंगे तो उसी निशान पे ले जा करके मिलाना है, जहाँ ऊपर ये आप देख सकते हैं जहाँ सब मैंने सिलाई लगाया वहाँ पर एक निशान लगा हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो और आपने मेरी कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं ब्लाउज की प्लेलिस्ट पूरी तरीके से दे रहा हूँ, आप ब्लाउज के हर एक साइज का कटिंग देख सकते हैं वहाँ पर जा कर के। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा है इसको काट दिया जाएगा इस तरीके से। ठीक उसी प्रकार से दूसरे कटोरी में भी हमें टक्स बना लेना है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि छोटे छोटे 2 कट नीचे लगे हुए हैं, और इन्हीं कट को मिला करके यहाँ पर सेंटर पे एक निशान लगा हुआ है, और इस निशान पे ले जा करके हमें सिलाई समाप्त कर देनी है। और यहाँ पर मजबूती के लिए 2 सिलाई चला लेने हैं, और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया जो एक्स्ट्रा है इधर, इसे इस तरीके से कट कर देना है। उसके बाद ये जो है क्रॉस पट्टी, इस क्रॉस पट्टी में फ़िट हो जाएगा ये कटोरी, इस तरीके से इस कटोरी को हमें फ़िट कर लेना है। ये काफ़ी बेसिक नॉलेज है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर, आप प्लीज़ यहाँ पर कटोरी ब्लाउज की सिलाई बता दीजिए। तो उनके लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ कि किस तरीके से आप कटोरी ब्लाउज की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें मजबूती के लिए दोबारा सिलाई लगाने की आवश्यकता होती है। ये इस तरीके से आप यहाँ पर 2 सिलाई लगा लेंगे, और दूसरे साइड भी हम कटोरी को इसी तरीके से फिट करेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद क्या करना है, एक मैं बेसिक चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ, हमारे कटिंग में ये जो क्रॉस पट्टी और कटोरी का जॉइंट होता है ये क्रॉस पट्टी की तरफ पलटता है, इस तरीके से आप ध्यान देंगे। यहाँ पर ये क्रॉस पट्टी की ओर पलटाना है, उसके बाद इसमें आप नाखून लगा लेंगे जिससे कि ये बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगा।
अब देखेंगे दूसरी साइड, तो सेम उसी तरीके से कटोरी को फिर से फिट कर लेना है। यहाँ पर आपको कटोरी को हल्का हल्का खींचते हुए फिट करना है ताकि इसका गोलाई का जो शेप है वो बराबर बैठे। इस तरीके से आप इसमें सिलाई लगा लेंगे। अगर थोड़ा बहुत छोटा होता है कटोरी तो आप जब उसे खींचते हैं हल्का हल्का तो वो बराबर आकर के बैठ जाता है। उसके बाद यहाँ पर मजबूती के लिए दोबारा सिलाई जैसा कि मैंने बताया, और उसके बाद यहाँ पर हम फिट करेंगे बेल्ट को। तो बेल्ट को फिट करने से पहले फिर से उसी तरीके से हमें यहाँ पर नाखून लगा लेना है इस तरीके से क्रीज। तो ये क्रीज लगाने से क्या होता है, यहाँ पर अच्छी फिनिशिंग हमको मिलती है। उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो नीचे का हिस्सा है जहाँ पर हमने टक्स लगाया, इस नीचे वाले हिस्से में बेल्ट फिट होता है। तो बेल्ट हम किस तरीके से फिट करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, ये जो हुक और आई पट्टी वाली साइड है इधर फिट होता है बेल्ट का नोक इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें नोक इस तरीके से मिला लेना है और बराबर मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई चलाएंगे, और सिलाई का मार्जिन सभी जगहों पर सेम रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने मार्जिन पर सिलाई चल रही है, तो इतने ही मार्जिन पर आपको हमेशा सिलाई चलाना है कहीं पर भी हो। ये इस तरीके से यहाँ पर भी दोबारा सिलाई हम चला लेंगे, और ठीक उसी तरीके से दूसरे साइड भी हम इसमें बेल्ट को फिट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम इसे पलटा करके हल्का सा क्रीज लगा लेते हैं जिससे कि इसमें भी अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। और उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट में। तो ये है इसके दूसरे साइड का पार्ट। यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम बेल्ट को फिट कर देंगे उसी तरीके से। तो ये इस प्रकार से आप लोगों को बराबर जमा करके रखना है पहले, और उसके बाद यहाँ पर चलाएँगे सिलाई। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पर हम दोनों सामने वाले पार्ट को तैयार कर सकते हैं। और ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर हमने बेल्ट को पलटा करके सिलाई चलाया है, तो इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि फ्रंट के दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। ये इसका बेनिफिट है, इसलिए यहाँ पर हम इसे पलटा करके सिलाई चलाते हैं ताकि हमें ज़्यादा लंबी पट्टी लगाने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि ब्लाउज का पीस जो है काफ़ी छोटा होता है और यहाँ पर हमें कपड़े को बचा करके चलना होता है। तो यहाँ पर हम जितना हो सके कम कपड़े में ब्लाउज को तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरीके से जो है ये दोनों सामने का पार्ट तैयार है। इसमें अब हमें हुक और आई की पट्टी लगानी है। तो फ्रेंड्स, हुक और आई पट्टी लगाने के लिए आप देखेंगे कि हुक वाला पट्टी जो है हम सिर्फ अस्तर से तैयार करेंगे, और आई वाली पट्टी को कपड़ा और अस्तर दोनों का इस्तेमाल करके तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आई वाली पट्टी देखते हैं। ये कपड़ा नीचे रखा हुआ है, इस प्रकार से इसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है, और ये जो पट्टी कटती है 2.25 से 2.5 इंच के बीच आप पट्टी की कटिंग करेंगे आई वाली पट्टी का, और उसके बाद इसे हम अस्तर इसमें इस तरीके से चिपका लेंगे। तो इसमें जब हम अस्तर चिपका लेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये आई वाला पट्टी आप लोगों को फिनिशिंग के साथ बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आई वाली पट्टी ब्लाउज के बाहर निकल करके लगती है, और आप जितनी अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ ब्लाउज की सिलाई करेंगे उतना ही ज़्यादा लोग आपसे प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को फिनिशिंग का ध्यान देना है। इस तरीके से एक किनारे को मोड़ देंगे, तो यहाँ पर जो है एक किनारे मुड़ गया। अब उसके बाद देखेंगे आप लोग, यहीं पर हम हुक वाली पट्टी भी तैयार कर लेते हैं। तो हुक वाली जो पट्टी है ये सिर्फ अस्तर से बनेगा, मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक किनारे से इसको इस तरीके से मोड़ना है एक बार, उसके बाद दोबारा मोड़ना है, दो बार यहाँ पर किनारे से मोड़ लेने हैं। फिर से मैं बता दूंगा इसको किस तरीके से दो बार मोड़ना है। और इस पट्टी को भी आप 2 इंच का कटिंग कर लेंगे, 2 इंच 2.25 इंच का, और उसके बाद यहाँ पर आप इसे मोड़ेंगे, ये इस प्रकार से मोड़ना है दो बार, और उसके बाद इसमें चला लेंगे ऊपर से एक सिलाई। तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए आसान चीज़ें भी मुश्किल हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है इसको हमने मोड़ लिया, अब इसको हमें फ़िट करना है। तो इसे फ़िट करने के लिए कुछ लोग सवाल करते हैं कि हुक वाली पट्टी किधर लगती है और आई वाली पट्टी किधर लगती है। तो मैं बेसिक यहाँ पर बता रहा हूँ, ये ब्लाउज हमने इस तरीके से रखा हुआ है, आप भी इसी तरीके से रखेंगे। लेफ़्ट साइड में लगेगी आई वाली पट्टी और राइट साइड में लगेगी हुक वाली पट्टी। ये नॉर्मली इसी तरीके से लगता है ब्लाउज में, अगर आप चाहें तो इसे उल्टा भी लगा सकते हैं, ये आप लोगों की चॉइस होती है। तो चलिए इसको लगा करके देखते हैं।
सबसे पहले हम आई वाली पट्टी की फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इसको रख करके इस तरीके से चिपका लेना है ब्लाउज कपड़े पर। और ये जब चिपक जाएगा इस तरीके से, तब आप देखेंगे यहाँ पर क्या करना है। ये इस प्रकार से इसको मोड़ेंगे, मोड़ करके क्रीज लगा लिए। उसके बाद ये इस तरीके से उल्टा इसको वापस से मोड़ना है, उल्टा मोड़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उल्टा क्यों मोड़ेंगे, इस तरीके से हम इसमें पलटा करके ये जो सिलाई है यहाँ पर जो बेल्ट का लाइन गया हुआ है उसी लाइन पर एक सीधी सिलाई चला देंगे। और ये सिलाई क्यों चलाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसको पलटाना है। और कैसे पलटाएंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर, ये इस तरीके से आपको इसे पलटा लेना है। आप इसमें कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रकार से इसका जो नोक है बराबर इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें हमें चलाना है ऊपर से दो तीन सिलाई, ताकि ये जो है अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाए। तो आप इसे पलटा करके सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद ये इस प्रकार से जो है यहाँ पर किनारे से एक सिलाई चला देंगे। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी दूरी से इस तरीके से मोड़ करके एक सिलाई और इसमें चला देंगे। तो ये जो है दो सिलाई यहाँ पर चल गई। अब दूसरे किनारे पर आ करके एक सिलाई और चला देंगे, ये इस प्रकार से इसमें तीन सिलाई चल जाएगी। ये तैयार हो गया हमारा आई वाला पट्टी। अब इसके बाद देखते हैं हुक वाली पट्टी हमें कैसी लगानी। तो ऊपर जो ये एक्स्ट्रा है इसको इस प्रकार से काट देंगे। अब देखेंगे आपकी बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये आई वाली पट्टी लग चुकी है। तो इसके बाद हमें हुक वाली पट्टी लगाना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको भी इसी तरीके से रखना है, रख करके जितना मार्जिन मैंने हमेशा बताया हुआ है उसी मार्जिन पर आपको इसमें सिलाई चलाना है। ये इस प्रकार से यहाँ पर हमें इसमें सिलाई चला लेना है और उसके बाद हम इसे पलटा करके और सिलाई चलाएंगे। तो अब देखेंगे आप लोग, ये पट्टी जो है नीचे की साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ करके हमने लगाया है, इसको जब हम पलटाएंगे तो इसको मोड़ करके सिलाई चलाना है। इस चीज़ का ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये जो है यहाँ पर ये पट्टी फिट हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये जो नीचे एक्स्ट्रा छूटा हुआ है तो इसको हम मोड़ेंगे। ये इस प्रकार से इसे जब मोड़ेंगे तो अंदर इसको घुसा करके इसमें हमें सिलाई चलाना है, ताकि जो है हमें अच्छे से इसमें फिनिशिंग प्राप्त हो सके। तो ये देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है दूसरे किनारे से इस प्रकार से इसमें एक सिलाई लगा लेना है ऊपर से। ये इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगेगा और ये जो एक्स्ट्रा मैंने बताया इसको एक्स्ट्रा लिया गया था, तो इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे और मोड़ करके इसमें हम सिलाई चलाएँगे ये इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो नीचे हिस्सा है उसमें भी हल्का सा सिलाई चला लेना है, मोड़ करके दूसरे किनारे पर हम चलाएंगे इसमें सिलाई। तो ये जो है दूसरे किनारे पर सिलाई चल गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये हुक और आई वाली पट्टी तैयार। तो अब देखें यहाँ पर ये इस तरीके से जा करके यहाँ फिट होगा, हुक और आई यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर देखें ये जो बेल्ट का जॉइंट आता है दोनों पे एक बराबर आना चाहिए, ऊपर भी बिल्कुल बराबर है। ऊपर अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो तो यहाँ पर इस प्रकार से मार्किंग करेंगे और जो छोटा बड़ा रहेगा उसकी कटिंग करके उसको फिनिशिंग पे ले आएंगे। यहाँ पर बेल्ट का जॉइंट एक बराबर है, नीचे भी एक बराबर है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे बैक साइड वाले पार्ट को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बैक साइड में कमर पट्टी लगाना है और ये कमर पट्टी आप 1.5 इंच की कटिंग करके लगाएंगे। सबसे पहले हम इसे इस तरीके से किनारे से मोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से किनारे से मोड़ने के बाद देखेंगे आप बैक साइड का पार्ट, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, पीछे लगाना है डॉट। तो डॉट को हमें पतला पतला यहाँ पर लगाना है इस प्रकार से। आप बिल्कुल किनारे से इस पर सिलाई लगाएंगे डॉट लगाने के लिए। और अगर आप लोगों ने ब्लाउज कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है ब्लाउज कटिंग के सभी वीडियोस, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। अब इसमें लगाएंगे हम कमर पट्टी। ये इस प्रकार से पट्टी को रख लेना है और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर मार्जिन को कंपलसरी रखना है, जितने मार्जिन पर हम सिलाई चलाते हैं उतने ही मार्जिन पे चलाएंगे। और यहाँ पर जो डॉट लगे हैं वहाँ पे हम पट्टी में भी हल्का सा चुन्नट दे देंगे, दूसरे डॉट में भी। मैं इस चीज़ को बताता हूँ, ये
यहाँ पर भी एक डॉट है, तो यहाँ पर भी हल्का सा चुन्नट इस प्रकार से देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इसको पूरी तरीके से फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद पलटा करके एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे इसमें एक कच्ची सिलाई, ताकि नीचे हम कर सकें तुरपाई। तो तुरपाई करने के लिए यहाँ पर कच्ची सिलाई लगानी होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पलटा करके किनारे से इसमें सिलाई चला रहे हैं ताकि इसका जो जॉइंट है वो दब जाए। अब इसके बाद आप इसे आसानी से पलटा सकते हैं। किस तरीके से पलटाना है ये इस प्रकार से आप इसे देखेंगे। ये इसको हम पलटा लिए, पलटा करके यहाँ पर कच्ची सिलाई बीचों बीच चलानी है क्योंकि यहाँ पर हम करेंगे तुरपाई। तो ये इस प्रकार से स्पीड से यहाँ पर सिलाई चला लीजिए और जब हम इसमें तुरपाई कर लेंगे उसके बाद इस सिलाई को खोल देना है। अब देखते हैं आगे, अब हमें क्या करना है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा ये बैक साइड के पार्ट में फ्रंट साइड के पार्ट को जॉइंट करना है। तो हम जॉइंट कैसे करेंगे, यहाँ पर होते हैं दो तरीके, या तो हम साइड फिटिंग पहले कर ले या तो आस्तीन की फ़िटिंग पहले कर ले। तो यहाँ पर मैं आस्तीन की फ़िटिंग पहले करने के लिए बताऊँगा और उसके लिए हमें क्या करना होता है, शोल्डर से इसे जॉइंट करना होता है। ये इस तरीके से आप इसे शोल्डर से जॉइंट कर लेंगे और साइड फिटिंग पहले करने के लिए क्या करना होता है, शोल्डर और साइड दोनों को जॉइंट कर लेना होता है और उसके बाद लास्ट में हम आस्तीन की फ़िटिंग करते हैं। तो ये जो है दोनों शोल्डर्स हमने जॉइंट कर लिए और उसके बाद यहाँ पर हम मजबूती के लिए एक एक सिलाई और चला देंगे। तो यहाँ पर जब मजबूती के लिए हम सिलाई चला देंगे तो उसके बाद यहाँ पर हमें आस्तीन की फ़िटिंग करनी है। और आस्तीन की फ़िटिंग के लिए भी मैं कुछ यहाँ पर एक दो चीज़ें बता देता हूँ क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी होती है। तो फ्रेंड्स ये है इसका आस्तीन और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि नॉर्मली जब हम अस्तर वाली ब्लाउज की सिलाई करते हैं तो उसमें ब्लाउज पीस में होते हैं लेस और उसको हमें आस्तीन पे कैसे लगाना है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो लेस को अलग से निकाल करके रख लें। अलग से हम निकाल करके लेस को रखेंगे और किस तरीके से यहाँ पर फिट करेंगे उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसमें निशान लगा लिया कहाँ तक हमें लेस लगाना है और यहाँ पर हम पूरा पूरा लेस नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा छोड़ करके इसमें लेस लगाना है जहाँ से हमारी साइड फिटिंग होनी है। यहाँ पर जो आस्तीन का जो नाप है वहाँ से छोड़ करके लगाना है ताकि जब इसको क्या है पहनते हैं तो इसमें दिक्कतें आती है, यहाँ ये छुपता है ये लेस, तो इसको हम थोड़ा सा छोड़ करके लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, काफ़ी मोटा हो जाता है यहाँ पर जब हम लेस को पूरा पूरा लगा देते हैं। तो इसको आप हल्का सा छोड़ दीजिए, उसके बाद इस लेस की फ़िटिंग कीजिए। तो यहाँ पर लेस की फ़िटिंग को मैं नहीं बता रहा हूँ, बस इतना ही मुझे बताना था कि यहाँ पर आप हल्का सा छोड़ देंगे तो ये जो चुभने वाली प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। तो इस लेस को हम फिट कर लेते हैं, उसके बाद आस्तीन को फिट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग ये जो है आस्तीन हमारा, इसमें लेस लगा लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेक करेंगे आर्म होल में जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए। तो ये इस तरीके से आपको आस्तीन को रख लेना है मशीन के ऊपर और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये जो है इसको इतना हमें छांटना है तब जा करके ये बराबर फिट होता है। इस चीज़ को आपको सिलाई करते वक्त ही करना है, कटिंग करते वक्त बिल्कुल ना करें क्योंकि ये सभी ब्लाउज में नहीं होता। इसलिए यहाँ पर हम पहले चेक करके देखते हैं और उसके बाद इतना इस तरीके से इसमें छांट लिए। तो छांटने से क्या होता है, यहाँ पर जो आर्म होल वाली प्रॉब्लम आती है, शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होती है, ये सब इन्हीं वजह से आती है। यहाँ पर फुलान वगैरह इन्हीं सब कारणों से आते हैं। तो ये छोटी छोटी फिनिशिंग का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है और ठीक उसी तरीके से दूसरे साइड को भी हमें छांट लेना है। तो ये दोनों साइड इस तरीके से बराबर हमने छांट लिए और ये जो गहरा वाला पार्ट है उसको फिर से हम यहाँ पर गहरा कर लेंगे। ये इस तरीके से जो है गहरा कर लिए और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर तिरछा हो गया है तो इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से बराबर कर लेंगे, उसके बाद ही आस्तीन की फ़िटिंग करेंगे। अब करना है यहाँ पर आस्तीन की फ़िटिंग। तो ये आस्तीन की फ़िटिंग करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर का आस्तीन में कट लगा हुआ है और शोल्डर पे तो जॉइंट है, तो इस जॉइंट से इस कट को बराबर मिला लेना है और यहीं से सेंटर से ही हम इसकी सिलाई चालू करेंगे इसको मिला करके। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से आस्तीन को हल्का हल्का खींचते हुए यहाँ पर फिटिंग करना है हमारे
बहुत से सब्सक्राइबर लोगों ने कहा कि यहाँ पर सर आस्तीन का जो फ्रंट वाला पार्ट है वो हल्का सा छोटा होता है, तो यहाँ पर आप हल्का हल्का आस्तीन को खींचते हुए फिट करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो छोटा हो रहा है ये बिल्कुल बराबर आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिलाई रिपीट कर लेंगे और दूसरे साइड इसी तरीके से हमें इसे फिट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये जो है यहाँ से हमें इसे फिट करना है, तो इसको फिट करने के लिए आप बराबर इसको जमाते हुए ऐसे फिट करेंगे और आस्तीन को हल्का हल्का खींचते हुए फिट करना है, ताकि ये जो है आस्तीन जो छोटा आप लोगों को महसूस होता है ये बराबर फिट हो जाए। आस्तीन को हल्का हल्का खींचते हुए ही फिट किया जाता है। तो ये इस प्रकार से जो है यहाँ पर आस्तीन की फिटिंग हो गई। यहाँ पर मजबूती के लिए हम एक सिलाई और चला देंगे और ठीक इसी तरीके से आपको दूसरे साइड का भी आस्तीन फिट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हमने दोनों साइड के आस्तीन को फिट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसे साइड से जॉइंट करेंगे और सीधी तरफ से इसे जॉइंट करना है। ये इस तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे आप इसे जॉइंट कर लेंगे और यहाँ पर बिल्कुल बराबर मिलाते हुए इसे जॉइंट करना है। अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा आपको महसूस होता है तो छोटे वाले पार्ट को हल्का सा खींच लेना है, फिर वो बराबर हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर सिलाई चला देनी है और ये किनारे से इस तरीके से काट देना है, ताकि जब इसे हम पलटा करके सिलाई चलाएँ तो ये इसका किनारे वाला हिस्सा बाहर ना निकले। ठीक इसी तरीके से दूसरे साइड को भी हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों जॉइंट हो जाएंगे, उसके बाद हमें इसे पलटा करके सिलाई चलानी है। ये इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं हम इसे किस तरीके से जॉइंट करेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे यहाँ पर सिलाई लगा करके जॉइंट करेंगे और उसके बाद किनारे किनारे से इसको काट देंगे इस तरीके से। तो इससे क्या है, जब हम इसे पलटा करके अंदर से सिलाई चलाएंगे तो ये जो किनारे का हिस्सा है ये बाहर नहीं निकलेगा। अब इसे हम इस प्रकार से पलटा लेंगे, ऐसे जब हम इसको पलटाएंगे तो पलटाने के बाद हमें क्या करना है, इसमें इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है अंदर से। ज़्यादा मार्जिन नहीं देना है क्योंकि हमें इसके चेस्ट और कमर के हिसाब से अभी इसकी फिटिंग करनी है, तो ज़्यादा मार्जिन ना देते हुए यहाँ पर आप किनारे से सिलाई चलाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर तो फिटिंग की सिलाई चलानी है। तो यहाँ पर तो ये एक सिंपल तरीका हो गया कटोरी वाले ब्लाउज की सिलाई करने का। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए कटोरी ब्लाउज सिलाई से रिलेटेड, वहाँ पर मैं एक अलग तरीके से कटोरी ब्लाउज की सिलाई करने का तरीका बताऊँगा। वहाँ पर ये जो सभी जॉइंट हैं कटोरी के और बेल्ट के, ये सभी जॉइंट अंदर की तरफ दबे हुए होंगे, आप लोगों को ये जॉइंट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो उस तरीके से हम किस प्रकार से सिलाई करते हैं उसको भी आगे बताएँगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं। अब इसमें हमें साइड फिटिंग की सिलाई चलानी है, तो सबसे पहले तो हमें मेज़रमेंट लेना होगा इसका। तो यहाँ पर साइड फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए जब हमने इसका कटिंग किया था तो इसका मेज़रमेंट आप लोगों को मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। इसका जो आस्तीन है 7.5 इंच का है, इसका चेस्ट साइज 42 इंच का है, बड़ा साइज का ये ब्लाउज है, 42 इंच का इसका चेस्ट है और इसका जो कमर है ये लगभग लगभग 39.5 इंच का है। तो 39.5 का ये कमर, 42 इंच का चेस्ट और 7.5 इंच का आस्तीन। तो यहाँ पर फिटिंग कैसे करेंगे, इसकी जो पूरी गोलाई है आस्तीन की 15 इंच की है, हाफ़ मैं बता रहा हूँ 7.5 इंच, बड़े साइज का ये ब्लाउज है, 42 चेस्ट मतलब आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से 7.5 इंच नापना है और निशान लगा लेना है, बहुत ही आसान होता है ये। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो आई वाली पट्टी लगी होती है इसको हमें छोड़ देना होता है, क्योंकि ये ब्लाउज के बाहर से लगते हैं और किसी ब्लाउज में बड़ा किसी ब्लाउज में छोटा ये लगा हुआ होता है, तो कटिंग करते वक्त भी इसे छोड़ देना होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो निशान लगेगा 10.5 इंच पे लगेगा, 42 इंच के 1/4 हिस्से पर। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम कमर को देखते हैं, 39.5 इंच का कमर है, तो ये जो निशान लगेगा 10.25 इंच पर लगेगा, ये इस तरीके से यहाँ पर 10.25 इंच पर इसका निशान हम लगा लेंगे।
उसके बाद इन निशानों को हम बराबर मिला लेते हैं चेस्ट और कमर तक, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट भी सिलाई चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही सिलाई चला करके बता देता हूँ आप लोगों को। ये इस तरीके से यहाँ पर आप आस्तीन पे रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा एक सिलाई चला लेंगे मजबूती के साथ। ये जो है यहाँ पर इस तरीके से सिलाई फिटिंग की चल चुकी है। अब देखते हैं दूसरी साइड को, तो दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई चलाना है। यहाँ पर एक सिलाई हम मजबूती के लिए और चला देंगे, उसके बाद हमें दूसरे साइड का फिटिंग देखना है। तो दूसरे साइड की फिटिंग करते वक्त हमें हमने जो हुक वाली पट्टी लगाई है उसको पूरा पूरा लेना होगा। आई वाली पट्टी को छोड़ा गया है क्योंकि वो ब्लाउज के बाहर से लगा है, हुक वाली पट्टी ब्लाउज के अंदर से लगा है। तो यहाँ पर इस पट्टी को पूरा पूरा लेना है। कमर पे निशान लगेगा 10.25 पे, जैसा कि हम दूसरी साइड लगाए हैं। चेस्ट पे लगेगा 10.5 पे, 42 का चेस्ट है तो 1/4 लेंगे, 10.5 पे इसका निशान, और आस्तीन का जैसे कि मैंने बताया 7.5 इंच पर। तो ये तीनों निशान लगाने के बाद हम इस साइड की भी फिटिंग यहाँ पर कर देंगे 7.5 पे ये निशान। उसके बाद यहाँ पर हम चला लेंगे सिलाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो गई है इसकी साइड फिटिंग। अब ये ब्लाउज पूरी तरीके से तैयार है। इसमें जो आखिरी काम बच जाता है वो है पाइपिंग का। तो पाइपिंग हम इसमें लगाएंगे रस्सी वाला, मतलब कि डोरी वाला पाइपिंग। और ये डोरी वाला पाइपिंग किस प्रकार से लगेगा आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, मैं इसको बता देता हूँ डोरी वाली पाइपिंग कैसे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स पाइपिंग लगाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये जो हुक आई वाली पट्टी इसको बराबर मिला करके रखना है। और यहाँ पर मैंने पहले से निशान लगाया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर चेक करके निशान लगा लेंगे। अगर कहीं पे छोटा बड़ा लगे आपको फ्रंट का पार्ट है तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे बराबर, और उसी निशान से हम पाइपिंग को फिट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डोरी वाली पाइपिंग मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है सिल्वर कलर में, जो कि इसमें काफ़ी अच्छा लुक देगा। और अगर आप लोगों ने डोरी वाली पाइपिंग बनाने का तरीका नहीं देखा है, आप लोग नहीं जानते कि इस पाइपिंग को किस तरीके से तैयार किया जाता है, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वहाँ पर डोरी वाली पाइपिंग का लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो डोरी वाली पाइपिंग के वीडियो पर आप डायरेक्टली पहुँच जाएंगे और उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि इस पाइपिंग को हल्का हल्का खींचते हुए लगाना है, और यहाँ पर जो रस्सी लगी हुई है वो हमारे लेफ्ट साइड में है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। लेफ्ट साइड में रस्सी रखनी है और उसी तरीके से फिट करना है। आप लोग नहीं जानते इसको बनाने का तरीका तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए, आप बहुत ही अच्छी तरीके से डोरी वाली पाइपिंग बनाना सीख जाएंगे। दूसरा जो ये टिप्स है यहाँ पर कि ब्लाउज को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है पाइपिंग लगाते वक्त, बिल्कुल भी आप ब्लाउज को नहीं खींचेंगे, सिर्फ हल्का हल्का पाइपिंग को खींचना है और पाइपिंग को भी ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप, और यहाँ पर मशीन को स्पीड भी नहीं चलाना है, धीरे धीरे मशीन को चलाते हुए आप फिटिंग करेंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरे गले पर इस पाइपिंग को चिपका लेना है। ये रस्सी वाला पाइपिंग बनाने में बहुत ही आसान होता है, लेकिन ये आसान तब होता है जब आपका हाथ जम जाए इस चीज़ पर और आपका अनुभव हो जाए इसमें। तो ये काफ़ी आसान है नॉर्मल पाइपिंग से। ये जो है इस तरीके से यहाँ पर हमने इसे फिट किया पूरे गले पर। जब हम इसको फिट कर लेंगे तो इसे पलटा करके सिर्फ और सिर्फ एक सिलाई हमें चलाना है, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये डोरी वाली पाइपिंग फिट हो जाएगी। और यहाँ पर जब आप फ्रंट गले के शेप में आते हैं तो दोनों तरफ के फ्रंट गले के शेप में आपको हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा खींचना होता है पाइपिंग को, जिससे कि इसका जो शेप है गोल गले का वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाए। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हमें इसे फिट कर लेना है। अब हम इसे पलटा करके सिलाई चलाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसको थोड़ी दूर से कट करेंगे ताकि इसे मोड़ करके हम इसमें सिलाई चला सकें। अब ये देखेंगे यहाँ पर जो पट्टी है ये काफ़ी मोटा होता है, तो इसको हम इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है उसको काट लेंगे। ठीक उसी तरीके से दूसरे साइड के पट्टी को भी हम काट लेंगे और उसके बाद इसको हम फिट कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर पलटा करके सिलाई चला सकते हैं। फिट तो हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे इसे पलटा करके सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये इस तरीके से इसको मोड़ना है, और मोड़ करके सिंपल सा इसके ऊपर एक सिलाई चलाना है।
और यहाँ पर सिलाई चलाते वक्त आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ फिनिशिंग का ध्यान रखना है। ये सिलाई दिखने में काफ़ी आसान है, लेकिन इसी सिलाई से डोरी वाली पाइपिंग की पूरी तरीके से फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर पीछे को खींचते हुए यहाँ पर सिलाई चलाना है, आगे और पीछे दोनों को सेट करते हुए हल्का हल्का खींचना यहाँ पर ज़रूरी है, ताकि हमारा जो रस्सी इसमें लगा हुआ है वो उभर करके आ सके और एक अच्छा डोरी वाला पाइपिंग हम तैयार कर सकें। आगे और पीछे दोनों को खींचते हुए यहाँ पर हम सिलाई चलाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो में किस तरीके से मैं इसको खींच रहा हूँ, ठीक इसी तरीके से आप लोगों को भी इसमें खींचना है और खींचते हुए आप इसे फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा कटोरी ब्लाउज की सिलाई। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप कटोरी ब्लाउज का सिलाई बताइए, बहुत से कमेंट्स आए थे मेरे पास, जिसकी वजह से मैंने आज इस वीडियो को बनाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप कटोरी ब्लाउज की पूरी तरीके से सिलाई सीख जाएंगे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूँ। यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो मैं सभी के कमेंट्स पे यहाँ पे उनके सवालों के जवाब तो मैं सभी को दे देता हूँ मैसेज के माध्यम से, लेकिन सभी के टॉपिक्स पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए, क्योंकि रोज़ हज़ारों कमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर मैं उन कमेंट्स को लेता हूँ जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, उन कमेंट्स के वीडियो सबसे पहले यहाँ पर बना करके दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी कमेंट करिए, हो सकता है कि आपके टॉपिक पर भी जल्द से जल्द वीडियो बन जाए। तो आप यहां पर देखेंगे अब ये पाइपिंग कितना फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग बाहर से लगा हुआ आपको दिखेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस पाइपिंग को लगा लिया है। आप भी कोशिश करिए, आपसे भी इतने ही अच्छे तरीके से ये पाइपिंग लगेगा। एक बार में आपसे नहीं बनेगा तो दोबारा कोशिश करिए, दो बार में नहीं बनेगा, तीन बार में नहीं बनेगा, लेकिन चौथे बार ये बिल्कुल आपसे बन जाएगा, क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता यहाँ पे ज़रूर मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। सिर्फ कटोरी ब्लाउज का सिलाई मैंने इस वीडियो में बताना था और मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है यह वीडियो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस सिलाई को देख सकें और सीख सकें। और साथ ही साथ लाइक के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।